स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों ऐसा करता हूँ आप सभी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में समस्याएं ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति मान सम्मान और एक प्रतिष्ठित नाम बनाने की जिन लोगों के भी अंदर इच्छा है, उन लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि इस दिन आप जो भी कुछ करेंगे वो आपका किया हुआ कार्य या पुण्य या दान, जो भी आप कुछ करेंगे वो सीधा भगवान श्री हरि के पास पहुंचेगा। और भगवान श्री हरि का एक नियम है कि उनके पास जो भी कुछ आता है उसका कई गुना अधिक करके वो आपको वापस करते हैं दोस्तों। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें आपको दिमाग लगाने की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी बार क्या होता है, जो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं वो फिर दिमाग ही लगाते रह जाते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है उसको नहीं भूलना चाहिए। जो भी उसकी शरण में होता है दोस्तों, तकलीफें उसके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी जरूरतमंद को, और उसमें अगर कोई महिला हो और उसमें भी वो अगर विधवा महिला हो तब तो सोने पे सुहागा, आपको या तो दूध या फिर दही या फिर दूध से बनी हुई कोई भी आइटम, जैसे खीर, उसको आपको दान करना है। जरूरतमंद से मतलब जो भूखे भिखारी होते हैं, जिनको खाना प्राप्त नहीं हो पाता है आसानी से, ऐसे जरूरतमंद आदमी को जिसके पास मतलब वो हर तरह मजबूर होना चाहिए। और उसमें भी मैंने आपको बताया है कोई विधवा महिला हो और जिसका कोई आसरा ना हो, ऐसी महिला को आपको दूध की बनी हुई कोई भी आइटम या फिर एक दूध की थैली या दही की थैली आपको दान करना है। दूसरा दोस्तों, आपको गाय को चारा खिला देना है। ये करने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में बैठ के भगवान श्री हरि के एक मंत्र की एक माला जाप करना है। भगवान श्री हरि का एक घी का दीपक जला दें, आसनी बिछा के आपको बैठना है, दो अगरबत्ती लगा दें। अगर फोटो तस्वीर या मूर्ति है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आपको मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करना है और उनको बोलना है कि मैं एक छोटी सी पूजा करने जा रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें।
आपको तुलसी की माला उठा लेनी है और एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपको एक माला जाप करना है बस। दोस्तों समझ लीजिए कि ये जो आपने आज एक माला का जाप किया है इस मंत्र का फल आपको कई जन्मों तक मिलता रहेगा। मैंने पहले भी कहा है कि ये दिन, इसको अक्षय तृतीया कहा गया है, आखत्रीज कभी ना खत्म होने वाला महूर्त। और इसमें जो भी काम किया है, गाय को चारा खिलाया है, उसका पुण्य फल मतलब वो 33 कोटि देवताओं को आपने भोग लगा दिया है, और जिस जरूरतमंद को आपने दूध की आइटम दी है, दोस्तों आप समझ नहीं सकते कि आपने कितना बड़ा दान कर दिया है। भले आपको एक थैली दे देनी है, उससे क्या होगा, वो जरूरतमंद के यहाँ से आपको एक आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि इस दिन जो भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, वो आशीर्वाद आपके साथ 7 जन्मों तक चलेगा दोस्तों। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो भी चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, हर इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और हमेशा ये पुण्य फल आपके साथ चलेंगे, आपको कभी भी कहीं भी कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या होगी आपको विचलित नहीं कर सकते। और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे, और आप देखते ही देखते एक धनवान व्यक्ति के रूप में आपकी गणना होने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही कारगर है। मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकाल के अखत्रीज के दिन ये काम कर लेना चाहिए, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई भी कर सकता है। तो करते रहिए, करने लायक है, इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।